हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2023 से रिलेटेड। जी हां, बात करने वाले आप लोग आंसर की कौन सा डेट का है आप लोग का, ये बता दें। आप लोग का वेट थी तो ये फाइनली आप लोग का आंसर की आउट हो चुका है, मतलब आ चुका है। तो देखिए, फर्स्ट आप बता दें, आप लोग का 1 से लेकर 11 मार्च का जो पेपर हुआ था तो उनका आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता। किनका डाउनलोड हो रहा था? तो ये आप लोग का डाउनलोड हो रहा था 22 से लेकर 28 फरवरी वालों को, मतलब कैंडिडेट को, जी फरवरी में एग्जाम होता 22 से लेकर आप लोग का 28 फरवरी जिन कैंडिडेट का एग्जाम हुआ था उनका आंसर की आप लोग का डाउनलोड हो रहा था, ठीक है, इससे पहले। तो अब आप लोग का फाइनली आप लोग का 1 से लेकर 11 मार्च जो लास्ट आप लोग का पेपर हुआ था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का सीआरपीएफ का, उनका भी एडमिट कार्ड क्या हो गया आप लोग का जारी हो चुका है, तो आउट हो चुका है बिल्कुल। ए टू जेड हम बताएंगे कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिए। और दोस्तों बता दें आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है, बस प्लस आप लोग को बताने वाला प्रश्नों का ऑब्जेक्शन, मतलब आप लोग जो प्रश्न आप लोग गलत लगे एग्जैक्ट तो आप लोग ऑब्जेक्शन भी वो क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग क्वेश्चन को गलत लगे तो उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करके आप लोग का मार्क्स ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ए टू जेड हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों मेरे वीडियो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे डाउनलोड करें। सो गाइस, फाइनली आप लोग का आ जाना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर, मतलब आप लोग का सीआरपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है, लॉग इन पर आ जाना है। तो मैं डायरेक्टली आप लोग का लिंक दे देंगे वहाँ पर, यहाँ पर आप लोग का डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट आप लोग क्या करना है, लॉग इन टू फिलअप सबमिट व्यू एंड अप्लीकेशन फॉर्म। तो फर्स्ट आप लोग का यूजर आई डी, जो आप लोग का यूजर आई डी हो वो आप लोग का यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। जो आप लोग का एडमिट कार्ड पर दिया होगा, एडमिट कार्ड रखे होंगे तो उस पर यूजर आई डी दिया होगा, और आप लोग का पासवर्ड आप लोग जो आप लोग का मतलब फिल किए होंगे, पासवर्ड जो आप लोग का लगाए हुए हैं, जो पासवर्ड है आप लोग का, वहाँ पर आप लोग का इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, लॉग इन पर आप लोग का क्लिक करना है। तो बिल्कुल हम ए टू जेड आप लोग करने के बाद उसके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, लॉग इन करने के बाद जैसे आप लोग आ जाएंगे यहाँ, आप लोग देखेंगे तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आप लोग का सीआरपीएफ, मतलब आप लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यहाँ आप लोग क्या देखा, एप्लीकेंट डिटेल्स देख सकते हैं, हेल्प डेस्क देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग का ऑब्जेक्शन फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद कैंडिडेट रिस्पॉन्स आ जाएगा, यहाँ पर आप कैंडिडेट रिस्पॉन्स देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहीं पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स है ना, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो क्लिक करते हैं, उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे वैसे आप लोग को नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे टू डाउनलोड योर द क्वेश्चन पेपर फॉर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 1 मार्च से लेकर आप लोग 11 मार्च, मतलब 1 मार्च से लेकर 11 मार्च जो पेपर हुआ था उसका मतलब बता रहे, ठीक है दोस्तों। 2023 एग्जाम क्लिक हेयर टू गो जनरेट इट, मतलब यहाँ पर आप लोग क्लिक हेयर करना है, जो क्लिक हेयर लिखा है हेयर पर ना आप लोग का ब्लू वाली, तो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग क्लिक करेंगे वैसे आप तो क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग क्लिक कर देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा पार्टिसिपेट आईडी, आप लोग का नाम दिख जाएगा, उसके बाद टेस्ट सेंटर नेम आप लोग को दिख जाएगा, उसके बाद आप लोग का टेस्ट डेट दिख जाएगा, उसके बाद आप लोग का टेस्ट टाइम दिख जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का आप लोग का सब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो कौन से आप लोग का पोस्ट में आप लोग अप्लाई किए, मतलब एग्जाम दिए थे वो दिख जाएगा, टाइम भी दिख जाएगा आप लोग कब टाइम था, और आप डेट भी दिख जाएगा, उसके बाद नाम आप लोग का आईडी नंबर दिख जाएगी। तो फर्स्ट आप लोग क्या करना है, नीचे आना। तो जैसे आप लोग नीचे आएंगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग को दिख जाएगी हिंदी लैंग्वेज वाली, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज आप लोग क्वेश्चन दिख जाएगी, तो यहाँ आप लोग क्या करना है बता दें दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, कौन से विकल्प में से कामदेव की परिभाषित शब्द लिखे गए हैं। तो इसमें आप लोग को जो ए बी सी डी ऑप्शन दिया, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो पर आप लोग को देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आप लोग को चूज किया है, तो चूज ऑप्शन 1, तो ये आप लोग को 1 के ए ऑप्शन की है, पर ये गलत है, और आप लोग का ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप लोग को ये हो जाएगा आप लोग का मगधन पंचसर, और आप लोग का ये आप लोग का होगा इसका परिभाषित शब्द, ठीक है दोस्तों। ये आपसे जो आप कैंडिडेट किया है ये गलत किया है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। इसी प्रकार आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे जैसे आप लोग को देख रहे हैं वैसे आप लोग को देख सकते हैं, नीचे ये आप लोग का अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किया है, यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, चूज ऑप्शनल दिया है ना, उस पर आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग को दिया गया है, ये आप लोग को यहाँ ये दिया गया हमने कि वाक्य के उपयुक्त शब्द चयन कीजिए, ठीक है, नायिका 16 कर आई, तो आप लोग का सिंगार, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का ऑप्शन डी की है, ये करेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट है। अगर कोई भी ऑप्शन का आप लोग लगता है ये क्वेश्चन गलत है, और अब मैंने ऑप्शन ये बिल्कुल सही किया है, ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया और ऑप्शन ये गलत सही होगा, तो जो आप लोग जैसे मान के चलो आप लोग का ये क्वेश्चन आप लोग मतलब मान के चलो ये आप लोग क्वेश्चन बी है ना, बी कर सही है, ठीक है। तो इसी प्रकार मान तो चलो आप लोग बी सी की है, क्वेश्चन नंबर बी सही है, सी बिल्कुल करेक्ट है, जानते हैं, अगर बी आप लोग को वो आंसर किए हैं उन लोग को, ठीक है, तो बट आप लोग को सी आप लोग एक्यूरेट सही है, मतलब आप लोग को जानते हो, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आप लोग का क्वेश्चन आई डी दिया गया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आई डी दिया गया ना, वैसे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आई डी पर, ठीक है दोस्तों। वैसे आप लोग का ऑब्जेक्शन करते हैं, टोटल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की, बिल्कुल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।